रॉबिन, ये एक सच्ची कहानी है और इस कहानी को सुनने के बाद आप जान पाएंगे कि कैसे विनी द पू कार्टून, जो कभी न कभी हर एक बच्चे और बड़े की पसंद रहा है, उसका इजाद कैसे हुआ और क्रिस्टोफर रॉबिन कौन था और किन हालातों में ये सारी कहानियां बनी। ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर टू से, सन 1941 में, जब एक आदमी जिसका नाम एलन अलेक्जेंडर मिलन है, उसके पास एक औरत का लेटर आता है और उस लेटर को देखकर वो इमोशनल हो जाता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। और अब कहानी आती है वर्ल्ड वॉर वन, सन 1916 में, जब एलन इस जंग का हिस्सा होता है। वो जंग लड़ता है और जंग लड़ने के बाद वो अपनी पत्नी डेफनी के पास वापस आता है। जंग खत्म हो चुकी है। एलन पेशे से एक मशहूर राइटर होता है जो कविताएं और नाटक लिखता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और इनके घर में एक बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे का नाम ये क्रिस्टोफर रॉबिन रखते हैं। प्यार से वो उसे बिली मून बुलाते हैं। हालांकि एलन की बीवी क्रिस्टोफर के पैदा होने से बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके घर में लड़का हो। वो चाहती थी कि उनके घर में लड़की हो। वो एलन को बोलती कि मैं अब इससे प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये भी जंग में जाएगा और मुझे भी इसका इंतजार करना पड़ेगा जिस तरह से मैंने तुम्हारा इंतजार किया था, वो भी बिना किसी उम्मीद के। और अब मेरे अंदर ये सब सहने की शक्ति नहीं है। इसके बाद वो क्रिस्टोफर रॉबिन के लिए एक नैनी रखते हैं जिसका नाम ऑलिव होता है और ऑलिव क्रिस्टोफर रॉबिन से बहुत प्यार करती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और क्रिस्टोफर रॉबिन 3 साल का हो जाता है। लेकिन इन 3 सालों में सिर्फ ऑलिव ने उसका ध्यान रखा होता है, क्योंकि उसके माँ बाप पार्टीज में और अपने काम में बहुत बिजी होते हैं। वो क्रिस्टोफर रॉबिन पर ध्यान दे नहीं पाते और एलन लगातार नाटक लिखता है। लेकिन अब वो अपने काम से ऊब चुका है और वो किसी आइसोलेटेड जगह पर जाना चाहता है जहां पर वो कुछ नया, कुछ अच्छा लिख सके। इसीलिए वो अपने पूरे परिवार के साथ इंग्लैंड की एक कंट्री साइड जगह पर चला जाता है जो पूरी तरह से एक जंगल होता है। और अब एलन का पूरा परिवार वहां पर शिफ्ट हो गया है। लेकिन वहां पर शिफ्ट होने के बाद भी एलन कुछ ज्यादा लिखता नहीं है। अब जब यहां पर उनका पूरा परिवार शिफ्ट हो जाता है तो डेफनी अपने बेटे क्रिस्टोफर रॉबिन को कुछ खिलौने देती है, जिसमें एक टेडी बेयर होता है, एक पिगलेट होता है, एक टाइगर और एक गधा। और इन सब खिलौनों को पाकर क्रिस्टोफर रॉबिन बहुत खुश होता है। क्रिस्टोफर अपनी मॉम से पूछता है कि इस टेडी बेयर का नाम क्या है। उसकी मॉम बोलती है कि इसका नाम एडवर्ड है। और अब वो अपने खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देता है। अब एक दिन क्रिस्टोफर के डैड एलन जंगल की तरफ जा रहे होते हैं और क्रिस्टोफर भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। और जब उसके डैड उसे देखते हैं तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें घर जाना चाहिए। क्रिस्टोफर बोलता है क्या मैं वापस चला जाऊं। उसके डैड बोलते हैं कि नहीं, चलो मेरे साथ। और वो दोनों आगे चलना शुरू करते हैं। अब क्रिस्टोफर अपने डैड से बोलता है कि मेरे पास जो डोंकी है, क्या आप उसके लिए कोई नाम रख सकते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि उसका नाम इयोर है। और इस नाम को सुनकर क्रिस्टोफर बहुत खुश होता है। अब जब ये आगे जा रहे होते हैं तभी एलन को मधुमक्खियों की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनकर वो सहम जाता है। दरअसल उस आवाज से उसे वर्ल्ड वॉर वन की याद आती है जब वो जंग में था, और आज भी उसके दिमाग से वो यादें निकल नहीं पाई है। क्रिस्टोफर बोलता है कि ये तो सिर्फ मधुमक्खियां हैं, ये अपना शहद ढूंढने के लिए आई है। और ये सुनने के बाद उसके डैड रिलैक्स हो जाते हैं और वो दोनों वहां से घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद एलन की पत्नी उससे बोलते कि तुम यहां पर कुछ लिखने के लिए आए हो और तुमने अभी तक कुछ लिखना शुरू भी नहीं किया। जंग के बाद पूरा देश सदमे में, लोगों की जिंदगी बेरंग हो गई है और अगर तुम जंग के खिलाफ किताब लिखोगे तो तुम उनकी बेरंग जिंदगी में रंग भर दोगे। डेफनी बोलती है कि मैं लंदन जा रही हूं क्योंकि तुम एक ऐसे राइटर हो जो लिखता ही नहीं, और अगर तुम लिखोगे नहीं तो तुम्हें झेलना मुश्किल है। एलन बोलता है कि तुम वापस कब आओगी। वो कहते हैं कि जब तुम लिखना शुरू करोगे। अब जब वो लंदन जा रही होती है तो नैनी बोलते हैं कि मैं और क्रिस्टोफर भी आपके साथ आ जाते हैं ताकि हम क्रिस्टोफर को जू दिखा सकें। और क्रिस्टोफर, नैनी और क्रिस्टोफर की मॉम डेफनी, ये सब के सब लंदन में जू जाते हैं। जू में ये सब एक बहुत बड़े बियर को देखते हैं। क्रिस्टोफर पूछता है कि इसका नाम क्या है। नैनी बोलती है कि इसका नाम विनी है क्योंकि ये विनी पैक से है। जू घूमने के बाद नैनी और क्रिस्टोफर घर वापिस आ जाते हैं, लेकिन उसकी मॉम डेफनी वही लंदन में रुक जाती है। और अगले दिन नैनी को 3 दिन की छुट्टी लेकर अपनी मॉम को देखने के लिए जाना पड़ता है क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और इनका कुक भी पहले से छुट्टी पर होता है। इसीलिए घर पर अब सिर्फ क्रिस्टोफर रॉबिन और उसके डैड एलन बचे हैं। अगली सुबह जब एलन कुछ लिख रहे होते हैं तभी उनके पास क्रिस्टोफर आता है। क्रिस्टोफर बोलता है कि मुझे पता है कि आप जंग के लिए कोई किताब लिख रहे हैं, ये एक अच्छा आइडिया है, अगर आप मेरे लिए कुछ लिखेंगे तो मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। एलन बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे। क्रिस्टोफर बोलता है ठीक है, और ये दोनों बाहर घूमने जाते हैं। और जब ये घूम रहे होते हैं तभी क्रिस्टोफर उसे बताता है कि जब हम जू में गए थे तो वहां पर मैंने एक भालू को देखा था जिसका नाम विनी था, और उसका नाम विनी इसलिए था क्योंकि वो विनी पैक से था। सिपाहियों ने उसकी मॉम को मार दिया और वो जू में आ गया।
जहां उसे सब घूरते हैं। इसके बाद एलन अपने बेटे को बोलता है कि यहां पर मधुमक्खियां हैं, अगर यहां पर मधुमक्खियां हैं तो यहां पर भालू भी होंगे। क्रिस्टोफर बोलता है कि यहां पर भालू नहीं है। तभी उसके पिता उसे पेड़ पर एक भालू दिखाते हैं जो कि क्रिस्टोफर का टेडी बेयर होता है, जिसका नाम होता है एडवर्ड, जो उसकी मॉम ने उसे खिलौना दिया होता है। दरअसल उसके डैड उसके साथ खेल रहे होते हैं। क्रिस्टोफर बोलता है कि आज से मैं इसे विनी बोलूंगा और वो उसका नाम विनी रख देता है। और उसके डैड क्रिस्टोफर के साथ इसी तरह से खेल खेलना शुरू कर देते हैं। जब वो डिनर करते हैं तब वहां पर खाना बहुत ज्यादा होता है और उसके डैड वहां पर उसके सारे खिलौनों को बिठा देते हैं। और ये सब करने में क्रिस्टोफर को बहुत मजा आ रहा होता है क्योंकि उसके पिता पहली बार उसके साथ खेल रहे होते हैं, उसके साथ टाइम बिता रहे होते हैं। और इस खेल खेल में वो अपने बेटे के साथ बहुत सारी कहानियां बनाता है। वो टाइगर का नाम टिगर रख देते हैं, बेयर का नाम विनी, और जो उनके पास डोंकी होता है उसका नाम इयो रखते हैं, और पिगलेट का पिगलेट। और इसी तरह इनके पास अब बहुत सारी कहानियां हैं। और एलन शहर से अपने एक दोस्त को बुलाता है जो क्रिस्टोफर रॉबिन और उसके खिलौनों के बहुत सारे स्केचेस बनाता है ताकि वो उसे अपनी कहानी में इस्तेमाल कर सके। और इसके साथ साथ वो एक पोयम भी लिखता है और उस पोयम को वो अपनी पत्नी को भेजता है। इस पोयम का नाम होता है वेस्पर्स और ये विनी द पू से रिलेटेड होती है। और कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी घर वापस आ जाती है और वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी पोयम को पब्लिश करवा दिया और वो लोगों को बहुत पसंद आई है। और अब एलन विनी द पू किताब के ऊपर और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देता है। और जब उसकी पहली किताब पब्लिश होती है तो वो रातों रात फेमस हो जाता है। एलन पहले से बहुत बड़ा राइटर था लेकिन इस किताब के आने के बाद उसका सारा काम जो उसने पहले किया होता वो सब छुप जाता है क्योंकि ये किताब लोगों को इतनी पसंद आती है कि वो रातों रात एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है। लोग अब उसकी किताब के बारे में, उसकी कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं। और जब लोगों को ये पता चलता है कि क्रिस्टोफर रॉबिन एक सचमुच का लड़का है तो लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है और अब लोग क्रिस्टोफर रॉबिन से मिलना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद क्रिस्टोफर रॉबिन की नैनी भी घर वापस आ जाती है। उसे देखकर क्रिस्टोफर रॉबिन बहुत खुश होता है। दरअसल उसकी मॉम की मृत्यु हो गई थी इसीलिए उसे कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। उसकी नैनी बताती है कि मैंने क्रिस्टोफर रॉबिन की प्रेयर्स के बारे में जो आपने पोयम लिखी थी वो अपने दोस्त के घर पर देखी और मुझे बहुत खुशी है कि लोगों को ये पोयम इतनी पसंद आई। दरअसल एलन ने जो पोयम लिखी थी वो क्रिस्टोफर रॉबिन की प्रेयर्स के बारे में थी जिसे सभी लोग बहुत पसंद कर रहे थे। अब जब क्रिस्टोफर रॉबिन इतना फेमस हो चुका है तो उसका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका होता है। उसके लिए कई चिट्ठियां हर रोज आती है, वो पार्टीज में जाता है, लोग उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, उसके ऑटोग्राफ चाहते हैं। लेकिन क्रिस्टोफर रॉबिन को ये सब इतना पसंद नहीं आता क्योंकि वो सिर्फ जंगल में अपने पिता के साथ खेलना चाहता था। लेकिन अब वो सारा का सारा खेल बंद हो चुका है क्योंकि एलन जो कि उसके पिता हैं वो अपने काम में इतने बिजी हैं कि वो क्रिस्टोफर रॉबिन को वक्त दे नहीं पाते। जहां पहले वो बैट बॉल खेलते थे, एक साथ कहानियां बनाते थे, अब वो अपने बेटे क्रिस्टोफर रॉबिन को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाते। वो हमेशा पार्टीज में या अपने लिखने के काम में बिजी रहते हैं और इस बात से क्रिस्टोफर रॉबिन बहुत उदास भी हो जाता है। क्रिस्टोफर रॉबिन की जो नैनी होती है वो भी नहीं चाहती कि क्रिस्टोफर रॉबिन की जिंदगी जिस तरह से चल रही है उस तरह से उसकी जिंदगी चले क्योंकि वो जानती है कि वो सिर्फ अपने पिता का साथ चाहता है। उसे पार्टीज, ये इंटरव्यूज, ये चमक धमक की दुनिया, इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात उसके माँ बाप नहीं समझ पाते और बिली के पास अब सिर्फ उसकी नैनी का प्यार है। लेकिन कुछ दिनों बाद नैनी को भी एक आदमी से प्यार हो जाता है जिसका नाम एल्फ्रेड होता है। और जब बिली को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वो नैनी को किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहता, हालांकि नैनी उससे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती है। लेकिन क्रिस्टोफर रॉबिन को लगता है कि अगर उसने एल्फ्रेड से शादी कर ली तो वो मुझसे दूर हो जाएगी और वो ये बात अपने मॉम डैड को बता देता है कि वो शादी कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उन्होंने शादी कर ली तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। और जब उसके मॉम डैड को ये बात पता चलती है तो क्रिस्टोफर की मॉम डेफनी नैनी को ताना देती है। वो बोलते कि अब हमें समझ में आया है कि हमारा बेटा इतना उदास क्यों रहता था। नैनी एलन को बोलते कि आप वो बिल्कुल नहीं कर रहे जो क्रिस्टोफर के लिए अच्छा है, आप उसे अपनी किताबें बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे एहसास दिलाइए कि आप उसकी परवाह करते हैं। क्रिस्टोफर की मॉम डेफनी बोलती कि परवाह, मैंने उसे पैदा किया है। नैनी बोलती कि माफ करना पर पैदा तो जानवर भी करते हैं। वो एलन को बोलती है कि एक पिता को अपने बेटे का साथ देना चाहिए, उसे आपकी जरूरत है, और नैनी काम छोड़कर चली जाती है। क्रिस्टोफर को इस बात से बहुत दुख होता है, हालांकि नैनी के लिए भी उसे छोड़कर जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती है। लेकिन अब वो मजबूर है और नैनी के जाने के बाद धीरे धीरे एलन को यह एहसास होता है कि उसने गलती की। दरअसल ये क्रिस्टोफर रॉबिन की खेलने कूदने की उम्र है, ना कि इंटरव्यू देने की, पार्टीज में जाने की। और वो एक दिन अपने बेटे को बोलता है कि आज के बाद मैं क्रिस्टोफर रॉबिन के बारे में, विनी द पू के बारे में, टिगर के बारे में कुछ भी नहीं लिखूंगा, एक लफ्ज भी नहीं। क्रिस्टोफर रॉबिन बोलता है क्या अब विनी द पू दोबारा से हमारा हो जाएगा।
एलन बोलते कि नहीं, अब वो दुनिया का हो चुका है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं क्रिस्टोफर रॉबिन के बारे में एक लाइन भी नहीं लिखूंगा, और ना ही अब तुम्हें फोटोग्राफ्स खिंचाने पड़ेंगे, ना ही बड़े बड़े लोगों के साथ चाय पर जाना पड़ेगा। अब जो तुम चाहे वो कर सकते हो। इस बात से क्रिस्टोफर रॉबिन बहुत खुश होता है, और अब उसके डैड उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कर देते हैं। लेकिन वहां के बच्चे क्रिस्टोफर रॉबिन को विनी द पूह की वजह से बहुत चिढ़ाते हैं। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वो बड़ा हो जाता है, और अब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो चुका है और वो आर्मी में जाना चाहता है। लेकिन जब वो टेस्ट देता है तो वो मेडिकल में फेल हो जाता है। इस बात से वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। दरअसल वो आर्मी में जाना चाहता है, वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। और वो अपने डैड से बोलता है कि मैं जानता हूं कि आप मुझे मेडिकल में पास करवा सकते हैं, क्योंकि देश के हर एक नागरिक के दिल में आप बसे हुए, और ये सब मेरी वजह से मुमकिन हो पाया है। और एलन ना चाहते हुए भी उसे आर्मी में भर्ती करवा देते हैं। और वॉर में जाने से पहले क्रिस्टोफर अपने डैड को बोलता है कि उस बेयर ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं जहां भी जाता हूं लोगों को पता चल जाता है। जब मैं छोटा था हम जंगल में खेलते थे, और फिर आपने किताब लिखी और सब कुछ खत्म हो गया। आप पूरी तरह से बदल गए। एलन बोलता कि ये सच नहीं है। जैसे मुझे एहसास हुआ मैंने वो लिखना छोड़ दिया था। वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। क्रिस्टोफर बोलता है फिर आपने उन्हें भेज दिया। एलन बोलता है कि तुमने ही कहा था कि मेरे बारे में किताब लिखो। क्रिस्टोफर बोलता है कि मैंने मेरे बारे में नहीं, मेरे लिए कहा था। और इसके बाद क्रिस्टोफर ट्रेन से वहां से जंग पर चला जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, और एलन वो लेटर खोलता है जो अभी अभी उसे मिला है। उसमें लिखा होता है कि आपके बेटे लापता है, संभवतः मारे गए। इस खबर को सुनकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी पत्नी भी बहुत रोती है। और इसके बाद एलन क्रिस्टोफर की नैनी के पास जाता है। नैनी को जब ये पता चलता है तो नैनी भी फूट फूट कर रोती है, क्योंकि वो आज भी क्रिस्टोफर से बहुत प्यार करती है, उसे अपना बेटा मानती है। और एक रात को जब एलन अपने घर के बाहर बैठा होता है तो तभी उसे सामने से कोई आता हुआ नजर आता है। और जब वो ध्यान से देखता है तो उसका बेटा क्रिस्टोफर रॉबिन वहां से आ रहा होता है। वो जिंदा होता है और उससे हाथ मिलाता है। एलन अपने बेटे को बोलता है क्या तुम सच में बिली मून हो, क्योंकि वो अपने बेटे को हमेशा बिली मून ही कहकर बुलाता था। वो कहता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ। इसके बाद क्रिस्टोफर रॉबिन की मॉम भी आ जाती है, और वो भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब नैनी को पता चलता है कि क्रिस्टोफर रॉबिन जिंदा है तो वो उसे मिलने आती है, और उसके गले लगकर वो बहुत रोती है। इसके बाद क्रिस्टोफर अपने डैड को बोलता है कि जब हम रेगिस्तान में थे और हम पर फायरिंग हो रही थी तो एक आदमी गाना गाने लगा, विनी द पू का। और जब वो गा रहा था तो उसको अपने घर की याद आ रही थी। वो गाना उसे उसके बचपन में ले गया। ये जादू आपकी वजह से हुआ, पर वो गाना सबसे पहले मेरा था। उसके डैड बोलते हैं कि पर मैंने उसे बेच दिया। क्रिस्टोफर बोलता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों की उम्मीद टूट चुकी थी तब आपने उन्हें याद दिलाया कि बचपन क्या होता है, खुशियां क्या होती है, वो कहानियां, ये जंगल हमारा था किसी और का होने से पहले। एलन बोलता है और हमेशा ही रहेगा। अब इन दोनों के बीच में जितने भी गिले शिकवे होते हैं वो सब दूर हो चुके हैं। पर एलन के नाम लिखने के बाद भी विनी द पू की शोहरत बढ़ती चली गई। क्रिस्टोफर रॉबिन ने अपनी कहानियों से जितने भी पैसे कमाए उसने उसका एक भी पैसा नहीं लिया। उन्होंने खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिताई और एक किताबों की दुकान भी खोली, और नैनी क्रिस्टोफर की जिंदगी का हमेशा एक हिस्सा रही। आज भी क्रिस्टोफर के खिलौने न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, जिन्हें हर साल 7.5 लाख लोग देखने आते हैं। और हाल ही में विनी द पू को बच्चों की आज तक की सर्वश्रेष्ठ किताब माना गया है। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।